पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं नीर वाटरफॉल। अभी मतलब आधा रास्ता कवर किया है। ये लक्ष्मण झूला से लगभग 15-20 मिनट्स दूर है। यहाँ तक हम बाय कार आए हैं। आप अपने व्हीकल से यहाँ तक आ सकते हैं या फिर कैब कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगे। यहाँ आने के बाद अब ट्रैक शुरू होगा, तो हम ऊपर अभी ट्रैक करके जाएंगे, वो भी पूरा रास्ता मैं आपको दिखाऊंगी। और इसकी एक बुकिंग अमाउंट भी है, आपका टिकट लगता है, तो 30 रुपीज़ पर हेड इसका टिकट है अगर आप इंडियन हैं। फॉरेन के चार्जेस अलग हैं, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है, आई थिंक 50 रुपीज़ है फॉरेन के पर हेड के चार्जेस। तो ये बुकिंग अमाउंट है। अब ट्रैक करके जाना है, इसमें भी झरने हैं, नीर वाटरफॉल है, पर इसमें भी जितना मैंने सुना है, अभी देखूंगी, जितना मैंने सुना है इसके ही बहुत सारे पार्ट है कि 2 या 3 या 4 झरने हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग हाइट पे, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो पूरा नीर वाटरफॉल के बारे में जानने के लिए कि कैसी कैसी चीज़ें हैं, कैसा कैसा ट्रैक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये वो रास्ता है, बहुत छोटा सा रास्ता दिख रहा है, ऊपर ट्रैक करके जाना है। कुछ लोग आपको भी दिख सकते हैं, रास्ता बहुत बड़ा नहीं है, बहुत पतली सी ही मतलब एक पाथ बना रखा है जहाँ पे पूरा ऊपर तक ट्रैक करके जाना है। अभी बस बहुत थोड़ा सा ही ट्रैक दिख रहा है, अभी वो पेड़ों में और पहाड़ों में छुप गया है। वाटरफॉल है, ऐसे 2 वाटरफॉल ऊपर और हैं जिसका ट्रैक ये जा रहा। अभी हमें और ऊपर जाना है। तो ये पानी बहुत साफ है, जैसे कि आप देख सकते हो, हमें नीचे की मिट्टी सैंड भी दिखाई दे रही है। इस तरफ ये वाटरफॉल है, दूसरी तरफ ये सेटअप किया हुआ है, मैगी पॉइंट है, स्नैक्स हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। तो आप चेयर्स और टेबल देख सकते हो, वहाँ पे बैठ के मैगी इंजॉय करो, साथ में कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय कॉफ़ी जो भी पसंद करते हो, अलग ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पे मैगी, चिप्स, पानी की बॉटल, छोटे छोटे स्नैक्स टाइप के लिए, और ऐसे आपको सेटिंग अरेंजमेंट में मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना मैगी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने पानी की बॉटल खरीदी क्योंकि ट्रैक करते वक्त प्यास लग रही है, तो पानी चाहे हमें नहीं पीना चाहिए ज़्यादा ट्रैक करते वक्त, लेकिन फिर भी पास में होना चाहिए। ट्रैकिंग की आदत नहीं है तो इस वक्त सांस बहुत ज़्यादा फूली हुई है,
ऑल दो ठंड है, मतलब विंटर्स हैं, और ये स्वेटर पहन के मुझे अब स्वेटिंग होनी शुरू हो चुकी है। ट्रैकिंग की अगर चलने की बिल्कुल आदत नहीं है तो प्लीज़ एक बार सोच लेना यहाँ आने के लिए, क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर कभी कभार बीच बीच में स्लिपरी बना रहे हैं। और ट्रैक के साथ यहाँ पे बीच बीच में स्टेयर्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े स्टेप्स की, पत्थरों की, मतलब मैनमेड नहीं है, पत्थरों की स्टेप्स बने हुए हैं। यहाँ पे आके पता चलता है कि चलने की बिल्कुल आदत नहीं है। ट्रैक में बीच में कुछ रिस्की और डेंजरस सा पाथ भी है, जैसे कि यहाँ पे अभी चलने के सिर्फ इतना ही पाथ है, और नीचे ये खाई और फिर वाटरफॉल ही है। तो आए तो ये ध्यान रखें कि बहुत छोटा पाथ भी है, तो संभल के सेफली चलें। चढ़ने के बाद, थोड़ा थोड़ा ट्रैक करने के बाद, एक मिनट का, दो मिनट का या पाँच मिनट का रेस्ट लेते रहिएगा, वरना सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि एक्चुअली सीधी खड़ाई है। अगर यहाँ से आप देखो, यही रास्ता है ऊपर जाने का, सीधी खड़ाई है तो सांस फूल रहा है, सफोकेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बीच बीच में रेस्ट लेते रहिएगा, और एकदम खाली पेट नहीं आना, क्योंकि फिर थकान से चक्कर भी आ सकते हैं, बीपी लो भी हो सकता है, जो डायबिटिक है उनके लिए शुगर लो भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, और बीच बीच में रेस्ट लेते रहिए, क्योंकि चलने की बिल्कुल आदत नहीं है तो सांस फूलने लगता है बहुत जल्दी। सफल होती हुई दिखाई दे रही है, फाइनल वाटरफॉल के करीब हम आ चुके हैं। वाटरफॉल तक पहुंच चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे तीन चार वाटरफॉल हैं, जो ट्रैक रास्ते में पॉइंट पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे पड़ते रहते हैं। ये फाइनल वाटरफॉल है, ऊपर आते आते बैटरी एकदम ड्रेन हो चुकी है, भूख लगनी शुरू हो गई है, तो इसलिए हमारे लिए अब आंटी मैगी बना रही है। अभी हम मैगी खाएंगे, पहले थोड़ी सी एनर्जी गेन करेंगे, उसके बाद इस वाटरफॉल पे नीचे जाके थोड़ी सी मस्ती करेंगे। ऑल दो इस टाइम इतनी गर्मी लग रही है कि मन कर रहा है कि भी कूद जाओ, पर ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस हिसाब से अपने यानी कूद तो जाएंगे लेकिन कपड़े नहीं है, और आंटी भी कह रही कि मन कर रहा है तो मन को मारो मत, उधर कूद जाओ, पर अभी फिलहाल हमने अपने साथ कुछ कैरी नहीं करा है,
देख रहे हो आंटी के पट्टे का। तो आंटी ऊपर गांव से रोज नीचे आती हैं यहाँ पे, फिर वापस रोज ऊपर जाती हैं। हम तो एक बार ही नहीं कर पाए, वो रोज आती हैं। हम तो राड़ पाड़ के रहने वाले हैं, तुम तो शहर के रहने वाले हैं। तो आंटी ये कह रही हैं कि वो यहाँ के पहाड़ के रहने वाली हैं, तो उनको आदत है इतने पहाड़ उतरने चढ़ने की रोज की रोज। हम शहर वालों को इतनी आदत नहीं होती चलने की, और वो फर्स्ट फैक्ट है, पता चल रहा है कि बिल्कुल आदत नहीं है चलने की। हमारी गर्मा गर्म मैगी तैयार है बिल्कुल, और हम भी तैयार हैं इसको खाने के लिए। जाने का मन था, पानी ठंडा है कि अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है इसके अंदर जाने की भी, एकदम बर्फ जैसा ठंडा पानी है। पर अगर यहाँ पे गर्मियों में आओ और इतनी ट्रैकिंग करके अगर ऐसा व्यू मिले और इतना फ्रेश पानी मिले कूदने को, उसमें नहाने को या कुछ भी कह दो एंजॉय करने को, तो इट्स वर्थ इट। ये पानी यहाँ पे इतना साफ है कि पैर कहाँ तक अंदर जा रहे हैं पूरा दिखाई दे रहा है। जो नीचे सैंड है वो पूरी दिखाई दे रही है। यूजुअली यहाँ वाटरफॉल्स जो बहुत ही कॉमन हो गए हैं, पॉपुलर स्पॉट्स हो गए हैं, कहीं पे भी किसी भी हिल स्टेशन पे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गंदगी मिलती है, अंदर पानी के अंदर जाने का मन नहीं करता। तो ये बहुत ही क्लीन और प्योर भी लग रहा है, तो यहाँ पे आपको हाइजीन और हेल्थ हाइजीन वाला प्रॉब्लम नहीं होता, जा सकते हैं। ऐसा कुछ गंदगी वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा क्लीन है। और ये पानी में दिखाई दे रहे हैं आपको, अंदर तक झांकोगे अंदर कहाँ कहाँ पत्थर भी पड़े हैं छोटे मोटे, वो सब क्लियरली आपको बाहर से दिखाई दे रहा है। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रैक कर आके मैगी खा ली है, वाटर में फॉल को अच्छे से देख लिया है, पानी में पैर डाल के बैठ लिए हैं। बहुत ही सुकून मिला बहुत टाइम के बाद ऐसी नेचर के साथ, जहाँ कोई किसी चीज़ का शोर शराबा नहीं है, जो आवाज़ है वो सिर्फ झरने की है। पानी बहुत ठंडा था लेकिन पैर डाल के वहाँ पे बैठने में एक अलग सुकून और एक अलग मज़ा आ रहा था। वो काफ़ी देर तक हम ऐसे यहीं पर बैठे रहे, पर अब नीचे जाने की बारी है। तो अब ये देखने वाली बात है, जो ट्रैक है जो ऊपर चढ़ने में हमें जितनी परेशानी हुई थी, जितनी मुश्किल हुई थी, क्या उतरते वक्त भी हमें उतनी ही परेशानी या फिर मुश्किल होती है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि चढ़ना जितना मुश्किल होता है उससे ज़्यादा मुश्किल उतरना होता है। देखते हैं कि क्या क्या हमें अभी फेस करना पड़ता है।
वाटरफॉल का एक्सपीरियंस जो बहुत ही अच्छा रहा। पूरी ट्रैक की मेहनत, ऊपर का व्यू देख के जो फाइनल वाटरफॉल है वहाँ जाके, इट्स ऑल वर्थ इट। थोड़ी देर के लिए थकान होगी, सांस फूलेगी, बट वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का एनवायरनमेंट जो एकदम नेचुरल है, झरने की आवाज़ और वहाँ पे मैगी खाना, पानी में अगर आप कर सकते हैं ठंडे पानी में कुछ भी मस्ती करना या सिंपली सिर्फ पैर डाल के वहाँ बैठना, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। तो अगर थोड़ी सी भी हिम्मत कर सकते हैं ट्रैक करने की तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा जब भी ऋषिकेश आते हैं। बहुत ही सुंदर है ट्रैक, इसलिए थोड़ा मुश्किल बन रहा है क्योंकि स्टेप्स हैं, अगर नॉर्मल चढ़ाई और उतराई होती तो तब भी हो जाता, स्टेप्स की वजह से, सीनों की वजह से टांगों में बहुत जोर पड़ रहा है। तो ये था मेरा ओवरऑल नीर वाटरफॉल का व्लॉग ऋषिकेश से। आई विल बी बैक विथ अनदर व्लॉग्स फ्रॉम ऋषिकेश, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो।